महानगर के कपूर कंपनी स्थित अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी सब्जी मंडी को बुलडोजर द्वारा उजाड़ दिए जाने के खिलाफ सब्जी फल विक्रेताओं का कलेक्ट्रेट पर धरना लगातार जारी है। धरने के 73वें दिन जीविका बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले सब्जी फल विक्रेताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस मौके पर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि 24 मई को रेल प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जिला प्रशासन को गुमराह कर उनसे सहयोग लेने के बाद कपूर कंपनी स्थित 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की फल सब्जी मंडी पर बुलडोजर चलवा दिया। इसके कारण लगभग 200 परिवार प्रभावित हुए हैं और अभी तक उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। इसी क्रम में वक्ताओं ने आगे कहा कि उनके द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी पेश किए जा चुके हैं, जिला एवं रेल प्रशासन को भी ज्ञापन दिए गए हैं। रेल मंत्री से दिल्ली जाकर मुलाकात की गई, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। वहीं जिला और रेल प्रशासन पर फल सब्जी विक्रेताओं की अनदेखी किए जाने का आरोप है। साथ ही ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने SS लोकल लाइव संवाददाता को क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, यहाँ 73 दिन से जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने दिन रात धरना चल रहा है। कपूर कंपनी 100 साल पुरानी सब्जी मंडी को उजाड़ दिया गया और तब से जो है लगातार हम लोग उसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। हमने सभी को ज्ञापन दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, प्रधानमंत्री जी को दिया, राष्ट्रपति महोदय को दिया और हमारी माननीय रेल मिनिस्टर से भी रेल भवन में वार्ता हुई। उन्होंने हमें मंडी बहाली का आश्वासन दिया। रेल प्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक को भी हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, हमारी मंडी बहाल नहीं हुई है। 73 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है। विधवा महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, रोजी रोटी का संकट है। तो आज हमने इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन यहाँ से भेजा है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि हमारी मंडी को बहाल कराया जाए ताकि हम जो है अपना कारोबार कर सकें, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। गौरतलब है कि इस मौके पर नसीम वारसी, राजबली बाला, सैनी माया, सैनी चंद्रवती, कुमकुम ठाकुर, प्रदीप वालिया, अविनाश चंद्र गंगा आदि लोग मौजूद रहे।